हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमविंग्स एकेडमी। आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। सबसे फर्स्ट, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसको, तो ध्यान से देखिए और नोट कीजिए। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें नंबर्स की, तो नंबर हमारे पास स्टार्ट होता है काउंटिंग से और उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ध्यान से देखिए, तो नेचुरल नंबर जो होता है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इसकी हम डेफिनेशन बनाएंगे सबसे फर्स्ट। तो जो हमारे काउंटिंग होती है 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक जाती है पता नहीं, तो उन नंबर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं आवर काउंटिंग नंबर्स। तो यहां पे सेट क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर्स का? अब देखो स्टूडेंट, सेट क्या होता है? जो भी नंबर को जिस नाम से हम बोलते हैं उसके अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं, उन सभी का कलेक्शन क्या होता है? नंबर्स का सेट होता है, या कलेक्शन बोल सकते हैं। तो इस नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या हो गया? सबसे पहले स्टार्ट होता है 1 से, फिर 2, 3, 4 और कहां तक जाता है नहीं पता है। जो नहीं पता होता है उसको नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट बोलते हैं। सेकेंड नंबर इसके बाद स्टार्ट होता है हमारे पास, अगर मैं नेचुरल नंबर के अंदर जीरो को और इंक्लूड कर दूं तो वो हो जाएगा हमारे पास होल नंबर, होल नंबर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल W से। तो यहां पे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? नेचुरल नंबर विथ जीरो, नेचुरल नंबर विथ जीरो, ये हमारे पास होल नंबर हो जाएगा। तो इसका सेट क्या हो जाएगा नंबर्स का? W इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3, 4 और नॉट डिफाइन तक। इसके बाद जो नंबर आता है होल नंबर के बाद, वो है हमारे पास इंटीजर नंबर, जो कि हमने 6th-7th क्लास में पढ़ा था। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर को हम दो डिजिट्स, दो अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल I से या फिर कैपिटल Z से। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो ध्यान से देखिए, ये जो होल नंबर है इनके साथ जीरो के लेफ्ट साइड में इन नंबर्स के अगर नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दूं, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो गया, जीरो हो गया और उनके नेगेटिव नंबर, तो उन सभी का कलेक्शन क्या होता है? होल इंटीजर नंबर होता है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे पास? इंटीजर नंबर। तो कलेक्शन क्या हो जाएगा? मैं आई से डिनोट कर रहा हूं इसको, इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, फिर माइनस के अंदर लेट सपोज -3, -2, -1 और ये जीरो आपका मिड में होगा। जीरो के आफ्टर राइट साइड में क्या होता है? 1, 2, 3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हमारे पास सेट हो गया किसका? इंटीजर नंबर्स का। यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद आता है हमारे पास रेशनल नंबर, फोर्थ नंबर पे है हमारे पास रेशनल नंबर। इसको कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। सबसे फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन को राइट करेंगे, या उससे भी पहले हम इसको समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो जो भी नंबर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में राइट किया जाएगा, साथ में कंडीशन है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो इंटीजर हमने अभी अभी देखा है। इसके साथ एक थर्ड कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस जो भी नंबर सेटिस्फाई करेगा वो क्या होता है? रेशनल नंबर। क्लियर है? तो यहां पे मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को P और Q से डिनोट कर रहा हूं।
तो व्हेन या दोज नंबर्स विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स और साथ में कंडीशन लगा दी क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. इन सभी को हम बोलते हैं रेशनल नंबर. एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें या फिर इसको अगर मैं कलेक्शन फॉर्म में लिखूं, सेट फॉर्म में लिखूं, तो कैसे लिखूंगा? क्यू राइट किया इक्वल टू, अब इसमें कोई पर्टिकुलर नंबर तो है नहीं, तो मैं यहां पे क्या राइट करूंगा? पी अपॉन क्यू कॉमा पी और क्यू क्या है यहां पे? पी एंड क्यू. कहां को बिलोंग कर रहे हैं पी और क्यू? इंटीजर नंबर को बिलोंग कर रहे हैं. तो बिलोंग्स टू का सिंबल होता है इस तरह से और इंटीजर का सिंबल होता है आई, ठीक है. और साथ में कंडीशन लगा दिया विथ या कंडीशन लगा दिया हमने क्यू नॉट इक्वल टू जीरो. तो ये पूरा जो कलेक्शन होगा, ये सेट होगा, वो रेशनल नंबर का होगा. क्लियर है? अब एग्जांपल लेते हैं हम रेशनल नंबर का. तो एग्जांपल देखो, लेट सपोज मैंने क्या किया यहाँ पे, -3/5 रख दिया. सबसे पहले चेक करते हैं कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है. फर्स्ट कंडीशन क्या है? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो बिल्कुल इसका न्यूमिनेटर -3 है और डिनोमिनेटर 5 है. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई. सेकंड कंडीशन क्या है कि आपका पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर. तो देखते हैं, पी की जगह -3 आ रहा है, -3 इंटीजर, बिल्कुल इंटीजर होता है. 5 इज इंटीजर, यस ऑफ कोर्स 5 इज इंटीजर. सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई. थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो. तो यहाँ पे क्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या होगा? आपका एक रेशनल नंबर होगा. क्लियर है सबको? अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि रेशनल नंबर नहीं है. लेट सपोज मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे 100/0, ठीक है. तो अब चेक करते हैं, सबसे फर्स्ट कंडीशन न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, बिल्कुल है. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई. सेकेंड कंडीशन दोनों के दोनों इंटीजर है, 100 भी एक इंटीजर नंबर होता है और 0 भी एक इंटीजर नंबर होता है. दो कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई. थर्ड कंडीशन, क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0. जबकि यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या आ रही है? 0. इसका मतलब थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा. क्लियर हुआ रेशनल नंबर अच्छे से, जो कि आपने 8th क्लास में पढ़ा था? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया. तो अब स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का न्यू नंबर, न्यू कॉन्सेप्ट, इरेशनल नंबर. तब तक इसको नोट कीजिए, इरेशनल नंबर. तो यहां पे हमारे पास नेक्स्ट नंबर हो जाएगा इरेशनल नंबर. अब इसको ध्यान से समझना है, इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं. रेशनल को क्यू से, तो इसको क्यू डैश से डिनोट करते हैं. पहली चीज तो ये. दूसरी जो मैं चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से समझोगे तो इस नंबर को कभी नहीं आप भूलोगे. अब यहां पे हमें इरेशनल नंबर के बारे में पता करना है, तो सीधी सी बात है, जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? इरेशनल. बस इतना सा है. तो यानी कि रेशनल क्या था हमारे पास? जिस नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं. तो इसमें क्या हो जाएगा? जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं. तो दोज नंबर्स विच कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p upon q, और वही सेम कंडीशन वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. और साथ में कंडीशन बताना है q नॉट इक्वल टू जीरो. तो जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन थी सेम एज इट इज वही है, बस यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? नॉट लगा दिया, मतलब जो रेशनल में था वो इसमें नहीं होगा. तो वो नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर. अब देखो कैसे, कौन कौन से नंबर है, एग्जांपल से समझते हैं. एग्जांपल
ऐसे नंबर्स आपको ढूंढने हैं जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे रूट टू, इस नंबर को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो या रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। कैसे? देखो, कोई कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम इसको रूट टू अपॉन वन लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म है, बिल्कुल है। क्या पी और क्यू इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रूट टू आपका इंटीजर नहीं होता है। रूट के अंदर वैल्यू आती है तो वो इंटीजर नंबर नहीं होता, इसलिए ये रेशनल नंबर की फॉर्म नहीं है। तो हम बोल सकते हैं इसको, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर। ऐसे ही खूब सारे नंबर जो रूट के अंदर है, जैसे कि रूट फोर आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट फोर को हम सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आता है? टू। तो टू तो आपका रेशनल नंबर होता है, तो इसलिए रूट के अंदर जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, यानी कि जो भी नंबर्स के स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उनका अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो वो आपके सभी क्या होते हैं? रेशनल। इसके अलावा जो भी नंबर होंगे रूट के अंदर वो क्या हो जाएंगे? इरेशनल। जैसे रूट थ्री किसी का स्क्वायर रूट, किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो ये इरेशनल हो गया। फोर हो जाएगा टू का, फाइव नहीं होगा, सिक्स नहीं होगा, सेवन नहीं होगा, एट नहीं होगा, फिर नाइन तो थ्री का होता है स्क्वायर इसलिए नाइन नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर्स आपको याद रखना है, ये सभी नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपको याद रखनी है कि जैसे पाई की जो वैल्यू होती है वो पाई हमेशा इरेशनल नंबर होगा, बट 22 अपॉन 7 या 3.14 ये रेशनल है। अब ये कैसे? पाई की जो ये वैल्यूज़ है ये अप्रोक्स वैल्यूज़ है, ना कि ये इसका करेक्ट आंसर है। पाई की वैल्यू को अगर हम पॉइंटों में सॉल्व करते जाएंगे तो हम कभी इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से समझना, पाई एक इरेशनल नंबर है, जबकि 22 अपॉन 7 और 3.14 क्या होता है? एक रेशनल नंबर। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो पाई हमारे पास क्या हो जाएगा? सीधा सीधा इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरह से ये आपको याद रखना है कि ये क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अब आगे चलते हैं, हम रेशनल और इरेशनल को थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं, डेसिमल्स के ऊपर चेक करते हैं कि डेसिमल के अंदर भी कौन सा रेशनल होता है और कौन सा इरेशनल होता है। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका नया नंबर स्टार्ट होगा, रियल नंबर। क्लियर? तो यहां तक नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम डेसिमल नंबर्स के अंदर कौन से रेशनल होते हैं और कौन से इरेशनल होता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है बच्चों के लिए कि डेसिमल में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल। तो उसको मैं एक ईजी वे में आपको समझाता हूं जिससे आपका ये कंसेप्ट हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो देखिए, डेसिमल नंबर क्या होते हैं ये तो आप सभी को पता होगा। डेसिमल नंबर क्या होता है? जहां पे पॉइंट लगाओ नंबर के अंदर उसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। अब जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं वो देखो कितने टाइप के होते हैं। आपने पॉइंट वाले नंबर कुछ इस तरह के देखे होंगे जो कि पॉइंट के बाद कंप्लीट डिवाइड चला जाता है और रिमाइंडर क्या आ जाता है? जीरो, जैसे 1.25, ठीक है। और कुछ इस तरह के नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद कंप्लीट नहीं जाते हैं, मतलब डिवाइड करते जाओ आंसर मिलता जाएगा, करते जाओ मिलता जाएगा, कभी फिनिश नहीं होगा डिवाइड। तो उस तरह के नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास 1.2525 आ ही रहा है, 25 रुक रहा ही नहीं है, इस तरह से एक तो ये वाला। या फिर इसी के अंदर एक हमारे पास हो जाएगा 1.12345। तो दोनों में डिफरेंस है, इस नंबर के अंदर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 25 25 25 25 25, जहाँ तक आपको करना है वहाँ तक। और एक ऐसा डेसिमल नंबर है जिसके अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार नंबर चेंज हो रहा है बट डेसिमल रुक नहीं रहा है। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह के डेसिमल होते हैं, एक तो जो डेसिमल आपका फिनिश हो जाता है और एक ऐसा जो फिनिश नहीं होता है। तो मैथमेटिक्स के अंदर इन टर्म्स का अलग नेम होता है, इन नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग जो कंप्लीट हो जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल।
और इन नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो यहां तक क्लियर है सबको? डेसिमल नंबर हमारा टू टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है, फिर भी आप चाहो तो और लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल 0.35, ये कंप्लीट है हमारे पास। इसके अलावा इसके एग्जांपल, इसमें दो तरह के एग्जांपल बताए थे मैंने आपको। एक तो एग्जांपल है हमारे पास इसके अंदर 1.3535, जो सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, और एक इसके अंदर होता है जो सेम नंबर बार बार रिपीट नहीं हो, जैसे 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पे दो तरह के होते हैं। तो ये जो नंबर होता है वो यहीं तक होता है, लेकिन फर्दर आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर दो टाइप का होता है। एक तो ये वाला जिसमें सेम नंबर रिपीट होता है, और एक ये वाला जिसमें नंबर रिपीट नहीं होता है। तो वो कौन कौन से होते हैं दो टाइप, वो देखिए। एक तो होता है इसके अंदर एक तो होता है रिपीटिंग वाला, रिपीटिंग, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। नाम से ही पता है, एक में नंबर रिपीट होंगे और एक में नंबर रिपीट नहीं होंगे, नॉन रिपीटिंग। तो इसको रीड कैसे करते हैं? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, या फिर इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। एक वर्ड और इसके अंदर, रिपीटिंग को हम रिक्यूरिंग भी बोलते हैं। एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको ये रिक्यूरिंग भी दिख सकता है। तो रिक्यूरिंग का मतलब ही क्या होता है? रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? नॉन रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग। क्लियर है? तो इस तरह से हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन, ये आपका इतना सा कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके अंदर से कौन सा रेशनल होता है, कौन सा इरेशनल? देखो, टर्मिनेटिंग पूरा रेशनल होता है, रिपीटिंग या रिक्यूरिंग वाला जो रिपीट हो रहा है और रिक्यूरिंग हो रहा है वो भी आपका क्या होता है? रेशनल। बस आपका ये नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्यूरिंग वाला नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इस तरह का इरेशनल होता है। क्लियर हुआ सबको? तो यहां पे हम लिख सकते हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर। ध्यान से समझना है इसको। और ये नॉन रिपीटिंग वाला, ये वाला जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और रुक भी नहीं रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बस यही इतना सा कॉन्सेप्ट है आपका रेशनल का और इरेशनल का। जो मैंने बता दिए वो रेशनल है, जो मैंने बता दिए वो इरेशनल। डेसिमल के अंदर किस तरीके से याद रखना है, क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक का बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, जो कि आपका लास्ट नंबर है इस चैप्टर का, वो है रियल नंबर। तो चलिए देखते हैं रियल नंबर को। अब देखो, लास्ट नंबर बचा है हमारे पास रियल नंबर, रियल नंबर। इसके बाद इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन या बेसिक पार्ट आपका 80% कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। अब रियल नंबर क्या होता है इसको देखो, ये हमारे पास रेशनल नंबर, ये हमारे पास इरेशनल नंबर। इन दोनों का हमने अच्छे से नॉलेज और एक्सप्रेशन और एग्जांपल्स देख ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये रियल नंबर है और ये इरेशनल नंबर, दोनों को कलेक्ट करता हूँ और एक जगह कंबाइन कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा? रियल नंबर। बिल्कुल सिंपल। तो यहां पे द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल लिख दो,
रेशनल नंबर का या इरेशनल का, जैसे रूट टू आपका इरेशनल हो गया, पाई इरेशनल हो गया, 0.25 रेशनल हो गया क्योंकि टर्मिनेटिंग है, 0.12345 इरेशनल हो गया, ये भी रियल नंबर है। इसके अलावा 5/3 माइनस 0.5 एक्सेट्रा, जो भी नंबर रेशनल है जो भी नंबर इरेशनल है उन सभी के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। यहाँ तक क्लियर है सबको रियल नंबर। अब हम क्या करेंगे, एक ओवरव्यू डायग्राम बनाएंगे जिससे हमने जो भी पढ़ा है वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बस एक मिनट और ये आपका इंट्रोडक्शन फिनिश। तो देखो सबसे फर्स्ट हमने कौन सा नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर। तो हम ऐसे समझते हैं इसको, मान लो ये हमारे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर आप सभी को पता है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ये उसका कलेक्शन हो गया। चाहो तो आप एक दो नंबर लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये रूम है नेचुरल नंबर्स का और यहाँ पे बाहर होल नंबर है, ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर को कैसे दिखाएंगे, ये नेचुरल नंबर तो आ गया, साथ में ये ज़ीरो भी राइट कर देता हूँ। तो ये जो पूरा बॉक्स हो गया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होल नंबर, क्लियर हुआ। यानी कि यहाँ से देखो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीजर के, इंटीजर के लिए देखो ये सभी नंबर तो आते ही हैं, साथ में नेगेटिव नंबर्स और लिख देते हैं, जैसे कि मान लो हमने लिखा -3, -2, -1 और 0 और ये पॉजिटिव, ये सभी का एक कलेक्शन क्या हो गया, इंटीजर नंबर हो गया। अब रेशनल को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये तो सारे नंबर आते ही रेशनल के अंदर, साथ में क्या आते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी लिख देंगे, जैसे कि -3/2 हो गया, 8/2 हो गया, और फ्रैक्शन के अलावा ये जो नंबर्स हैं इन सभी को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। यहाँ तक क्लियर है रेशनल नंबर। अब इरेशनल क्या होते हैं, इनमें थोड़ी ना होते हैं रेशनल, इस रेशनल नंबर के अलावा जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल। तो मैं इरेशनल को साइड में बना देता हूँ। लेट सपोज हमारे पास ये क्यू डे से अलग से बॉक्स है, इसके अंदर इरेशनल में हमारे पास रूट टू हो गया, पाई हो गया, इस तरह के नंबर, ठीक है। तो ये आपका इरेशनल हो गया। तो ये इरेशनल नंबर बिल्कुल अलग है और ये पूरा रेशनल अलग है। अब रियल नंबर क्या होता है, ये पूरा रेशनल का नंबर्स और इरेशनल नंबर, इन सभी को अगर एक बॉक्स में पैक कर दूं तो ये हमारे पास जो भी कलेक्शन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर। क्लियर है सबको। तो बस आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करता हूं रियल नंबर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय।